आरिज, मेरी जान, देखो मैं चाहती हूं कि ईसा के साथ ऑफिस जाया करो, बैठा करो और बिजनेस की बारीकियों को समझो। कल को अगर वक्त आए तो अकेले सब कुछ संभाल सको। मैं भैया के होते हुए मैं ये सब अकेले कैसे संभाल सकता हूँ? और वैसे भी सारे बिजनेस और प्रॉपर्टी का मालिक तो आपने सिर्फ अकेले भैया को बना दिया हो। तुम फिर शुरू हो गए। हेलो, हाँ जना, ऑफ कोर्स मैं आऊंगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं टाइम पे पहुंचूंगा। ओके बाय। अब ये सना कौन है? दोस्त है मेरी, मिलने जा रहा हूँ उससे, देर हो रही है। ऑफिस जी, बड़ी जल्दी चला गया। जाना चाहिए बेटा, तुम तो सुबह सुबह चले जाते हो, ये 11-12 बजे जाता है, इस तरह तो गैर जिम्मेदार हो जाएगा। अभी आप परेशान ना हुआ करें, वक्त के साथ साथ जिम्मेदारियां भी उठा लेगा। और वो वक्त कब आएगा भला? तुम भी तो थे, कितनी जल्दी सब कुछ संभाल लिया था, बिजनेस संभाला, घर संभाला, बहन भाइयों को संभाला और तालीम भी मुकम्मल की। मैं तो अकेला था, मुझे सपोर्ट करने के लिए भी कोई नहीं था। आई एम श्योर अगर पापा होते तो मैं भी इतनी जल्दी जिम्मेदारियां नहीं उठाता। लेकिन इनके लिए तो मैं हूं ना। अल्लाह पाक तुम्हें सलामत रखे। रिशा कहाँ है? सो रही है। एक दो रोज में उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर उसको जाने की तैयारियां करनी होंगी। तो अम्मी, मैं सोच रहा था कि उसको कुछ शॉपिंग करवा दूं। आप उससे पूछ लीजिएगा, एक दो रोज में चले जाएंगे, वो प्लान बना ले और मुझे बता दे, मैं मैनेज कर दूंगा। चले, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज़।